का सुपरफास्ट 100 में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात दिल्ली से बड़ी खबर की। दिल्ली में फूलो देवी नेताम को चक्कर आ गया। प्रदर्शन के दौरान आया चक्कर, गश्त थाकर गिरते गिरते बची सांसद। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है नेताम। कांग्रेस का संसद में चल रहा था प्रदर्शन और इस दौरान फूलो देवी नेताम गश्त खाकर गिर पड़ी और अचानक से उन्हें चक्कर आ गया और अब चूंकि प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस का संसद में चल रहा था प्रदर्शन और इस प्रदर्शन में फूलो देवी नेताम भी शामिल थी और अचानक से उन्हें चक्कर आ गया, गिरते गिरते बची सांसद। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं फूलो देवी नेताम, जो कि चक्कर खाने की वजह से गिरते गिरते बची। हाउस में एक बार की बेल में थी वो और एक बार की वो बेहोश होकर के गिर पड़ी और इसके बाद सदन की कार्यवाही। आप लोग नीट पे प्रदर्शन कर रहे थे? नीट पे लगातार डिमांड कर रहे थे कि चर्चा करवाइए और वो एक बार की बेहोश होकर के गिर पड़ी। अभी उनको हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं पिछले, लेकिन काफी समय लगा एम्बुलेंस को आने में, कम से कम 10 मिनट हो गए अब जाके एम्बुलेंस पहुंच पाई। हुआ क्या है? दुखद है ये, इतनी देर अगर पार्लियामेंट में एम्बुलेंस आने में देर लगी। भाई हुआ क्या है? बेहोश होकर के गिर गए। फूलो देवी नेताम जी हैं जो छत्तीसगढ़ से हमारी राज्यसभा की। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, जो कि गश्त खाकर गिर पड़ी। और आपने एक बात और सुनी होगी, जिन जो सांसद थे उनका ये कहना है कि शिवम प्रताप जो सांसद थे उनका ये कहना है कि माफ कीजिएगा कि यहाँ पर एम्बुलेंस जब लेट आ रही है तो बाकी जगहों की क्या ही बात की जाए। दिल्ली से सीधे रुख करेंगे, शिवम संवाददाता जुड़ गए हैं। अब शिवम, क्या स्थिति है, क्या माहौल है, क्या हुआ फूलो देवी नेताम की अभी कैसी तबीयत है? तो हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पर नीट को लेकर दरअसल कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी और ये प्रदर्शन के दौरान फूलो देवी नेताम को अचानक से चक्कर आ गया, वो गश्त खाकर गिर गई और तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस थोड़ा देर से पहुंची और इसीलिए ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब संसद में एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंच पा रही है तो सवाल ये कि आखिरकार आम लोगों को कैसे एम्बुलेंस की सुविधा टाइम पर मिल पाती होगी। फूलो देवी नेताम जो कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं और अचानक से प्रदर्शन के दौरान उन्हें चक्कर आ गया। संवाददाता शिवम प्रताप जुड़ गए। शिवम, क्या स्थिति अभी वहां पर? देखिए, उनको आरएमएल में एडमिट कराया गया है क्योंकि नीट पेपर लीक विरोध में वो प्रदर्शन कर रही थी। उस समय अचानक से मूर्छित होकर वो जमीन पर गिर गई। फिलहाल उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है शुरुआती जांच में कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनको चक्कर आ रहे थे। अभी उनकी हालत स्थिर है। शाम 3:30 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे मुलाकात करने संसद जाएंगे। दरअसल आज दिल्ली में बारिश हुई है, उसके बावजूद उमस ज्यादा है। इस दौरान वो प्रोटेस्ट कर रही थी, ऐसे में अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनका शुरुआती ट्रीटमेंट शुरू हो गया और बताया जा रहा है उनकी स्थिर हालत अभी स्थिर है। बिल्कुल। और एक बात ये भी, वहां पर जो मौजूद थे अन्य जो सांसद थे कांग्रेस के, उनका ये कहना था कि जब संसद में एम्बुलेंस 10 मिनट लेट आ रही है तो जाहिर सी बात है कि बाकी जगहों की क्या स्थिति होगी, इसको लेकर भी कुछ नाराजगी देखी गई कांग्रेस के जो सांसद थे वहां पर। तमाम नेता है, उनका ये कहना है कि संसद में इमरजेंसी में अगर कोई बीमार होता है और इमरजेंसी हालात में भी 10 से 15 मिनट का समय एम्बुलेंस को लोकेशन पे आने में लगता है तो आप बाकी दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। चूंकि पार्लियामेंट जब सेशन जारी होता है उस समय 1 से 2 एम्बुलेंस परमानेंट पार्लियामेंट में रहती है ताकि अचानक से कोई स्थिति बिगड़े तो ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन कांग्रेस नेताओं का ये आरोप है कि जब फूलो देवी नेताम जमीन पर गिरी उस दौरान 10 से 15 मिनट तक वेट किया गया एम्बुलेंस का और तब एम्बुलेंस आई। अगर स्थिति और बिगड़ जाती तो निश्चित तौर पर यह चिंताजनक होता। फिलहाल उनको एम्बुलेंस के जरिए आरएमएल में एडमिट कराया गया है और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर बाद उनके स्वास्थ्य की जांच करने पहुंचेंगे। कही जा रहा है कि उनकी स्थिति अभी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब उनको देखने जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं वो उनको देखने जाने के लिए बारी बारी से इंतजार कर रहे हैं और नीट एग्जाम को लेकर जिस तरीके से विवाद लगातार हो रहा है, इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से और इसी दौरान ये पूरी घटना हुई है। और चलिए अब